हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड यार, एक यूनिवर्सिटी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसको यार काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करें तो यार हर रोज़ जो इसकी अपडेट आती है रिगार्डिंग दिस काउंसिलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, तो भैया अभी तक क्या अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से? तो हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार आज 5 नवंबर हो चुका है और आज भी यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी सारे नोटिसेस आए रिगार्डिंग द एमए प्रथम सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रवेश सूची, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है। फोर्थ मेरिट लिस्ट एमएससी एग्रीकल्चर की आ गई है। फोर्थ मेरिट लिस्ट एमए एमएससी ज्योग्राफी बिरला कैंपस श्रीनगर गढ़वाल की आ चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है जो है 4 तारीख को, स्पेशली एमएससी बायोकेमिस्ट्री एमए, ठीक है, वैकेंट सीट मैट्रिक्स बीजीआर कैंपस, उसके बाद जो है श्रीनगर कैंपस, उसके बाद जो है सोशियोलॉजी एंड मैनी मैनी कैंपस की बहुत सारी लिस्टें जो है लगातार आ रही है। तो एंड बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि भैया आपको 7 तारीख को बुलाया गया है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। बीटेक वाली जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और गढ़वाल यूनिवर्सिटी को रजिस्टर किया था या नहीं किया था, या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर उनको जो है इसी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई सीट मिल चुकी है लेकिन वो सीट अगर संतुष्ट नहीं है और बीटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आप लोग यूनिवर्सिटी कैंपस जो भी वहाँ पे दिया गया गढ़वाल श्रीनगर वहाँ पे पहुँच जाए। कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया कि इतना इतना जिन मार्क्स जो मार्क्स बच्चों के हैं वो यूनिवर्सिटी में जरूर से पधारें। कैंपस के अंदर ऑफलाइन जाके 9,000 कुछ वहाँ पे फीस दी गई है, सॉरी 27,000 कुछ फीस है, सॉरी मुझे कन्फर्म नहीं है फीस कितना है, जो भी फीस है वहाँ पे दिया गया, डॉक्यूमेंट प्रोसेस वहाँ पे दिया गया, जरूर से लेकर फदार जाए, ठीक है। जस्ट लाइक 7 तारीख आई थिंक दिया गया, आज 5 हो गई है, कल सैटरडे 6, मंडे को वहाँ पे होगा 9:30 के आसपास, आपको 9 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाना है। कंप्लीट जो आपका एडमिशन है 2 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद मेरे को लड्डू भेजना और आप कॉलेज में जाना, तो ये सारा प्रोसेस होने वाला है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी एडमिशन नहीं हुआ, वो सबसे पहले नीचे 2 व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए यूजी के पीजी के, उसको जाके ज्वाइन करेंगे। और यार इसके लिए हमारा जो है सीयूईटी का पेड काउंसलिंग प्लान भी चलता है, उसके अंदर भी आप लोग इनरोल कर सकते हो, उसके अंदर जो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में जो एडमिशन अभी क्लोजिंग पे चल रहा है, ओपन काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में क्लासेस स्टार्ट हो गई है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में क्लासेस स्टार्ट हो गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में क्लासेस स्टार्ट हो गई है, प्राइवेट कॉलेजों में अगस्त से क्लासेस चल रही है। अब भी कोई अगर ऐसा बच्चा बचा हुआ है जिसको अभी एडमिशन नहीं मिला है और अगर वो एडमिशन लेना चाहता है, तो इसके लिए जो हमारा पेड काउंसलिंग